हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की हम शुरुआत कर चुके हैं। ये देखो कितने चिल्लाई डाल रही, 35,000 का फोन है। और क्या सही बात है। और ये दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चुका है और आज ब्लॉगिंग करने में मैंने लेट कर दी है। कारण इसे कि आज हम गांव में हैं और गांव में अभी पूजा हो रही है, पूजा शुरू हो गई अब। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर पूजा कैसे हो रही है। और फैमिली के सारे लोग आए हुए हैं और ये सामने बैठे भाई साहब जयवीर जगतपाल, और ये नीचे शेरो आरखा, ऊपर से नीचे ये हमारे पंडित जी हैं। कौन है? अनुसुईया प्रसाद सती जी, हमारे कुल गुरु जी। और ये वीडियो, ये सामने देवी देवताओं का जो जगह होता है, स्थान होता है, उससे तैयार कर रहे हैं पूजा के लिए। और इधर बैठे हुए हैं दो नन्हे से बालक। हाँ, और ये लड़की तो सिंगर भी है, ये गाना गाएगी, है ना, है ना गाएगी, वीडियो बनाएंगे। और ये है, क्या नाम है तुम्हारा? ये हेल्पर है इसकी। अच्छा, हेल्पर है और तेरी हेल्पर। ये देखो तो आप इसके, आप कौन है फिर? आप बड़े वाले हेल्पर है, ताई सपोर्ट। और ये नेचुरल देखो तो, मिस की हालत देखो, ये घर में क्या कर रही है देखो, है ये हाँ देखो, बंदर की तरह चेहरा होगा इसका, लाल लाल बिल्कुल। हाँ, तो पानी का थोड़ा वो चेंज हो गया ना आगे। तो ये देखिए यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा, और सूर्य देवता की पूरी पूरी मेहरबानी है आज। और बादल तो लगे हैं, बादल हमेशा लगते हैं यहाँ पर, और बारिश कभी भी आ जाए कोई पता नहीं, लेकिन दो दिन तीन दिन हो गए बारिश अभी तक नहीं आई। और ये सामने बांस के पेड़, बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पर चल रही है और गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। मोगली आया है, आजाद पंछी, और गाय और कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़ा हुआ है। गाय के पीछे तो ऐसे पड़ा हुआ है, गाय भी डर गई थी, है ना, गाय भी डरा के आ गया। और मौसी की तो वार्ड लगा दी इसने, एक सेकंड भी मौसी को पानी भी नहीं पीने दे रहा है। गाय की पूंछ पकड़ के मौसी टॉयलेट जा रही, पीछे से जा रहा है ना। यहाँ पे तो मम्मी पापा का कोई मतलब ही नहीं है, है? मम्मी पापा सब मौसी होगी यहाँ पे। ये नीचे उबारा बोलते हमारे यहाँ, अरे गांव के किचन में बैठे हुए हैं चाची जी हमारी बड़ी भाभी, और ये भाई की वाइफ, तो आपस में गप सप मार रहे हैं देखो इनको, है? हाँ, दिल्ली वाले देख रहे हैं आप लोगों को। हाँ, और ये देखो ये हमारे छोटे भाई, उनकी वाइफ है, और हाँ ये भी गप मारने के लिए चले गए अंदर देखो। तो यहाँ पर घर का कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है, तो ये बाहर इन्होंने किचन बना लिया है, इधर भी बन गया है, तो इस घर में दो दो किचन बन गए, क्योंकि भाइयों में बंटवारा हो चुका है, तो सारे अपने लग गए हिस्से को अलग अलग करने में। तो आज यहाँ पर एक छोटी सी पूजा है, तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? ये सब्जी काट रहे, सब्जी मसाला, सब्जी मसाला, यानी ग्रेवी तैयार हो रही है। हाँ जी भाई साहब, आप पेड़ की छांव में बढ़िया जगह बैठे हो। अच्छा, चलो। और ये शेरू को आपने ऊपर भगा दिया। हाँ जी, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और हमारे मामा जी भी आगे देखिए, आराम आराम से चहलकदमी करते हुए घर की तरफ। हाँ, कोई नहीं, आप अभी तो आप में बहुत ताकत है, है? 85 हो गए वो। हाँ हाँ, लेकिन आज भी नहीं लग रहा 85, आप तो 60-65 के लग रहे अभी भी। और क्या, बड़े कर्मठ। आइए 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 आज 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 यवन में आओ ना, आराम से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार, नाम ठीक से? तबीयत ठीक से? ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। और आंख देखना से, अब विजय मामा का बन गए?
अच्छा सब पहले मैं तो बुआ जी की सब नाना ही बुलाए तले दी कहाँ से था माथे में चाह वहाँ बुआ ने तो फाड़ के आ का अच्छा तो बैठो पे बैठने भी बुझवा अरे प्रियंका और मैं बच्चों को पहली बार गांव लेके आया हूँ तो उस वजह से मुझे थोड़ा एक छोटी सी पूजा करवानी थी तो वो पूजा आज रखी है यहाँ पर घर पे तो उसका पाठ चलेगा अभी थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है तो देखिए मैं पूजा के लिए वैसे तैयार हो गया हूँ और आज यहाँ पर ये बड़े ताऊ के लड़के हैं ये चाचा जी का लड़का है और ये बड़े वाले भाई साहब के लड़के हैं बड़े वाले ताऊ का पोता है ना तो यहाँ पर सारे बिष्ट खानदान के ही लोग हैं फैमिली के ही लोग आए हुए हैं ये मोगली की तरह घूम रहा पूरा आज ओ मोगली आजा चीकू आजा जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था धूप तो लगी है लेकिन बादल भी लग चुके हैं और बादल धीरे धीरे फैल रहे हैं और तेज तेज हवा भी चल रही है और दिन में एक पक्षी और एक कीड़ा होता है जो पेड़ की छांव में बैठ करके पेड़ के पत्ते के नीचे बैठ करके वहां से आवाज करता है तो ये शायद आवाज आपको कुछ सुनाई दे रही होगी और इसमें क्या रखा है और इसमें सब्जी पक रही है हाँ जी मिक्स वेज मिस्त्री साहब ये ओहो गरम है ये मिक्स वेज तैयार हो रहा है और आज के कारीगर हैं जिसको शेफ बोलते हैं होटल की भाषा में तो यहाँ पर देखो तीनों हैं पहाड़ी से अभी है ना तो पहाड़ी लाइफ स्टाइल में ये आज का खाना तैयार हो रहा है प्रसाद आज प्रसाद जो बना था ये आपका हलवा बन चुका है हलवा के बाद पापड़ और ये पूरियां बन चुकी हैं तो पूजा के लिए जो प्रसाद बनना था वो बन के तैयार हो चुका है और अब बन रहा है दाल चावल और रायता तैयार हो रहा है और आज चीकू ने तो यार कहाँ है डॉग कहाँ है डॉग से हाई कर लो नहीं बिल्कुल नहीं क्यों बिल्कुल नहीं ये क्या कर नो 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 नीचे मत अरे यार इसलिए बैठने वाला जो होता है जिसको हम पहाड़ी भाषा में चंगुला कहते हैं उसको नीचे फेंक दिया ये देखो आसन बोलते वैसे अब देख रहा है उससे कि मैंने नीचे फेंक दिया ये इसकी शैतानी ना कम नहीं हो रही क्यों महालक्ष्मी प्रसीदतो रक्षन्तु सदा देव सकल संतु सर्वदा गंधक्षतानि समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः भीष्टमेभ्यो नमो नमः भीष्टोर्भीष्टो हरि ओम श्री शते लक्ष्मी शपथ्यां मोहरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि
रोज दिल्ली में भी लगाई ऐसी पिटाई करी। हाँ हाँ मैं लगा देती थी। नहीं लगाती थी चाची तो वैसे भी अंतर्गत गोमय प्रतिमाया परे भगवान गणपति देवता ताम्रमय कलशो परे भगवान कलश देवता तायच सर्वे देवेभ्य नौलिंग नौनी दस हरदास नरसिंहादि देवता सर्वे इंद्रियाणि बाक यह बाक चक्षु श्रोत जिह्वा पाणी पादलो उदरी बकरी शिरसे जानुभ्याम नौनाडी गोत्र कुठादि सहित भगवान यहाँ गच्छन्तु यहाँ तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठां वरदा भवन्तु मे ओम श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे ध्यानम् मा समर्पयामि केभ्यो नमो नमः। हरि ओम नमः। गणपते देवता पीठ पूजनम् कुर्यात् ओम तीव्राय नमः। ओम बालाय नमः। ओम नन्दाय नमः। ओम भोगदाय नमः। ओम कामरूपिणे नमः। ओम महागणपतये लंबोधराय सकलाय जगत्पिताय नागामनाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यस्य मातौ मा देवी पिताय समर्पयामि मंदाकिन्यास्तु दुर्गा सर्व पापमरं शुभ तदित कल्पित देव प्रसिद्ध क्रियाचमिन्यम समर्पयामि पंचामृत स्नानम हरि ओम कपिलाभि दुर्गश्च सर्पणामधि समर्पिषा पंचामृतम मया देवम ग्रहणम करनायक पंचामृत स्नानान्ते शुद्धो बाल जलेन हरि ओम गणानां तवाह गणपति गंगवामहे प्रियाणां तवाह प्रियपति गंगवामहे निजनां तवाह निधिपति गंगवामहे वसो मम्माहम जाहि गर्वधर्म कर्म जाहि गर्वधर्म गणपति देवता स्नानं समर्पयामि भगवान गणपति देवता स्नानं अंग प्रोक्षणं पुष्पं वा समर्पयामि चेद्यो नमः भगवान गणपति देवता गंधं समर्पयामि सर्वदेव प्रिय देवी चंदन चंद सन्द कस्तूरी कुकुमाद गुगंधम प्रतिदेवतां गंधम अक्षतानि धनां देव सुगंधर्व पूजित सर्वदेव नमस्कारं ग्रहणं मदनुग्रह गंधं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि भगवान गणपति देवता धूपं आर्पयामि हरि ओम नमः। मूषक वाहनम नमस्ते स्तु मूषक वाहनाय नमः। कुमार गुरुवेतुभ्यं नमस्ते स्तो कुमार गुरुवेतुभ्यं नमः। ओम चतुर्थीस्ते नमस्तुते चतुर्थीस्ताय नमः। ओम कांडात कांडातः परोहंति पुरुषः पुरुषस्योपरि एवानो दूर्वेण सत सहर्षेण च भगवान कुल वृद्धि वंश वृद्धि अन्न धन वृद्धि हेतुर्रः भगवान गणपति देवता इदम् मह दूरपारपणमस्तु हो। बोलिए गणपति भगवान की जय। मंत्रण गौर्यादि खोटस मातृका देवता पूजनम कुर्यात् ओम मह गणपतये नमः। ओम गौर्याय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम सचये नमः। ओम मेधाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम
बारिश ओले के साथ हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। देखिए पेड़ों को, ओहो क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बारिश है। दोस्तों ये जब मैं गांव में गया था उस टाइम की ये वीडियो शूट करके रखा हुआ था मैंने, तो इसको मैंने एडिट नहीं किया था, तो आज मैंने इसको एडिट किया है और आज ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हर वीडियो को ऐसे ही इन्जॉय करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय।